आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में केंद्र रिजर्व पुलिस बल सीआरपी में कुक की ड्यूटियां, इसको आप चाहे सीआरपीएफ में सोच लो, बीएसएफ, आईटीपीबी, एसएसबी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं या फोर्स हैं, सभी में कुक की क्या ड्यूटी है उसके बारे में मैं आप बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार मेरे को मैसेज आया है, जो नए ट्रेडमैन की भर्ती निकलती है और अप्लाई करते हैं और भर्ती होना चाहते हैं, वैसे कुक की ड्यूटी मैं आपको बता दूं, किसी भी मैनुअल में अभी तक या इस तरह ऑन वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमने देखा है पिछले 25 साल में कि उनकी ड्यूटियां क्या होती हैं, हम उस हिसाब से और कुछ ड्यूटियां कुछ जो वर्णित हैं मैनुअल में या रूल में, उनके अनुसार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा जो आने वाले टाइम में एज ए सफाई कर्मचारी ट्रेडमैन के तौर पे भर्ती होना चाहते हैं, चाहे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबी, बीएसएसपी हो या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, सभी में ये ड्यूटियां सब में समान है। चाहे कांस्टेबल की ड्यूटी ले लो, कुक की ड्यूटी ले लो और चाहे सफाई कर्मचारी की ड्यूटी ले लो, यानी कि ड्यूटियां लगभग सभी डिपार्टमेंट में समान होती हैं। बहुत बार इन्होंने हमको पूछा है कि ड्यूटियों के बारे में बताया, और ऐसा कोई अभी तक खास वीडियो भी नहीं आया। तो चलते हैं दोस्तों, हम बताते हैं आपको। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से यहाँ पर पढ़ेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपी में कुक की ड्यूटी मुख्य रूप से बल के कार्मिकों के लिए भोजन तैयार करना है और रसोई घर से संबंधित अन्य कार्यों को भी संभालना, यानी जो किचन है या जो मैस है उसको भी संभालना, खाना बनाना। यह कार्य कुक और सीआरपी कार्मिकों के साथ मिलकर काम करना है। इसमें ऐसा नहीं, अगर एक कुक एक होता तो उसके साथ जो है कुछ जवानों को भी मदद के लिए दे दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर सीआरपीएफ में कुक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुक की कार्यशैली के आधार पर सुनिश्चित होता है कि बल के सदस्य स्वस्थ और संतुलित आहार प्राप्त करें, जिससे बल के कार्मिकों की कार्य क्षमता और मनोबल बनाए रखा जा सके। कुक की अन्य जिम्मेदारियों में निम्नलिखित कार्य शामिल है। तो यहाँ पर हमने बताने की कोशिश करी है, जो कुक है चाहे सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी में कुक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना खाने के फौज नहीं चल सकती या बिना खाने के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, और वह उसकी कार्य कुशलता पर निर्भर करता है, वो कितना अच्छा खाना अपनी फौज को खिला सकता। कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता, हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है या मैं कितना अच्छा करके कर सकता हूँ। तो मेन ड्यूटी में चलते हैं, भोजन बनाने की तैयारी, यानी कि मेन सबसे ड्यूटी जो है दैनिक मैस मेनू के आधार पर। फौज के अंदर किसी भी फौज में चले जाइए, एक मैस मेनू बन जाता है 7 दिन का, उसमें नाश्ता होता है, दोपहर का खाना होता है और रात का खाना तैयार करना होता है। मैस मेनू के रोटियां, चावल, दाल, सब्जी और अन्य प्रकार के भोजन भी शामिल होते हैं, जो सैनिकों की डाइटरी आवश्यकता को पूरा करते हैं। यानी कि जो मैस मेनू होता है वो एक बोर्ड गठित होता है, वो बोर्ड जो है जितना पैसा मिलता है उसके आधार पर, और उनकी ड्यूटी में है तो किस तरह का होगा, ट्रेनिंग में है थोड़ा अलग हटके होता है, और अगर कहीं दूसरी जगह चले जाए तो वहां पर अलग होता है। तो एक मैस मेनू होता है, मैस मेनू के आधार पर ही जो कुक होता है उसको खाना बनाना होता है। दूसरा, साफ सफाई। अब मैस में रसोई और खाना पकाने के स्थान को साफ सुथरा रखना, खाने के बर्तन, कुकिंग उपकरण और अन्य चिकन सामग्री की साफ सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करना भी। कुक का दूसरा महत्वपूर्ण जो ड्यूटी होता है, जो भी मान लिया मैस है, मैस में जो रसोई है उसकी साफ सफाई रखना, और जो भी उसमें बर्तन यूज हो रहे हैं, जो भी उसमें दूसरी चीजें यूज हो रही हैं, उन सभी को साफ सुथरा रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे उसमें उपकरण हो और चाहे उसमें, जैसे उपकरण में आपके पतीले आ गए, आपके कुकर आ गए, आपके चूल्हे आ गए, और चाहे अन्य चाकू, छोटा चीज चाकू भी लेके, इन सभी को साफ सफाई करना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा जो कार्य है कुक का, वो है खाने की सामग्री का प्रबंध कराना। कुक को पता होता है जब खाना बनाते हैं तो कुक की सहायता के लिए प्रत्येक मैस में एक मैस सिपाही
जो मैं जो जीडी का जवान होता है या दो मैस सिपाही दिए जाते हैं, उन मैस सिपाही का भी काम कुक की मदद करना है, जैसे सब्जी काटना या कुक को जो सामान चाहिए, जैसे दाल चाहिए तो दाल निकाल के देना है एक्चुअली स्टोर से। लेकिन कई बार होता है जो कुछ मेनू ऐसे होते हैं जो सप्ताह में एक बार बनते हैं, तो खा कितनी आवश्यकता चीज है या कितनी जवानों पर कितना क्या सामान लगेगा, इसका सही अंदाजा जो कुक को होता है। तो जो भी खाने की सामग्री होती है मैस मेनू के अनुसार कम पड़ने वाली है या उसके अनुसार, जैसे दाल कम पड़ने वाली, चावल कम पड़ने वाली है, उपमा बनना है तो जो उपमा में लगने वाले आइटम है वो कम पड़ने वाले हैं, या चीनी कितने दिन तक लगेगी, दूध कितने दिन तक चलेगा, ये सब कुछ एक सही आइडिया जो कुक को होता है। तो वह उसकी डिमांड के अनुसार अपने कहना मतलब खाने की चीजों के मेनू के अनुसार वह उन चीजों की डिमांड करता है। भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सब्जी होगी, मसाले हो गए, अनाज हो गए आदि का भंडार की जानकारी और सही उपयोग, इसके अलावा सामग्री का समय पर मांग करना और उपयोग पर नियंत्रण करना, यह भी एक कुक की जवाबदारी होती है या ड्यूटी होती है। बनाते समय गुणवत्ता का ध्यान रखना, खाना बनाते समय गुणवत्ता का ध्यान रखना, यह भी इंपोर्टेंट ड्यूटी है कुक की। खाना बनाते समय सुनिश्चित करना कि भोजन जो है पौष्टिक हो, स्वच्छ हो और स्वादिष्ट हो। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सही पकाने की विधि को भी जानकारी कुक को होनी चाहिए। आप किसको किस जितना पकाना है या कौन सी किस विधि से पकाना है, आपको मान लिया कुछ ऐसे मेनू है जो स्टीम करके पकाए जाते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसे हैं रोस्टेड किए जाते हैं या जो भी मेनू के अनुसार होते हैं उनकी सभी, और उनमें पकाने के अनुसार गुणवत्ता होनी चाहिए। रोस्टर वाले को ज्यादा जला दिया जाए तो खराब हो जाएगा, स्टीम वाले को कम स्टीम किया जाए या ज्यादा, यानी कि एक कुक की जवाबदारी है या ड्यूटी में आता है कि वो जो भी खाना बनाओ उसको ठीक से बनाए। बीमार कार्मिकों को उनकी जरूरत के अनुसार खाना बनाकर देना, फौज में हो चाहे घर पे हो या समाज में हो, एक बीमारी यानी कि डिसीज आती रहती है, बीमारी चलती रहती है, और बीमार लोगों का घर पे भी ध्यान रखा जाता है, समाज में भी ध्यान रखा जाता है, और इसी प्रकार जो फोर्स है उनमें भी इनका ध्यान रखा जाता है। वहां पर क्या है, कुक की जवाबदारी होती थी कोई व्यक्ति बीमार हो गया या कोई कार्मिक बीमार हो गया, एक हो गया दो हो गया, तो बीमारी में जो नॉर्मल खाना वो नहीं खाया जाता, थोड़ा हटके डॉक्टर उनको बताते हैं, तो जो भी डॉक्टर बताते हैं या जो उनको रिक्वायरमेंट है बीमारी के समय, उस तरह का खाना बना के भी देना कुक की ड्यूटी में ही आता है। उसमें ऐसा नहीं कि उस समय कुक ये बोल दे कि मैं नहीं बनाऊंगा या खुद ही बनाएगा, तो ये भी उसकी एक जवाबदारी में आता है। अगला ड्यूटी जो है, जैसे धार्मिक उत्सव हो रहे हैं, त्योहार हो रहे हैं, रेजिमेंटल समारोह आदि अवसर पर विशेष खाना या बड़ा खाना तैयार करना। होता क्या है दोस्तों, फौज के अंदर जो है, चाहे सीआरपी ले लो, आईटीबीपी ले लो, एसएसबी ले लो या आर्मी एयरफोर्स ने भी, प्रत्येक में कोई धार्मिक उत्सव होगा, जैसे मान लिया होली होगी तो होली पे भी स्पेशल खाना बनेगा, दिवाली होगी उस पे भी होगा, अगर मान लिया सिखों का कोई धार्मिक मान लिया गुरु नानक जयंती है तो उस पे भी होगा, कुछ रेजिमेंटल फंक्शन भी होते हैं, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, कोई प्रमोशन होके आया है, या फिर जो है कोई ऐसा समारोह बटालियन का रेजिमेंटल है या फोर्स का रेजिमेंटल डे है, तो उस अवसर पर भी वहां पर बड़ा खाना बनाया जाता है। और उन सब विशेष टाइमों पर भी क्या करना होता है, जो कुक होता है, कुक को एक मेनू दे दिया जाता है या जो भी बनाना होता है वो सब बनाने की जवाबदारी है, ड्यूटी है। उस समय ये नहीं कह सकता इतना सारा खाना बन रहा है या इतने सारे आइटम बनने, मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ, उसको मदद के लिए अलग से कुक चाहिए या कोई जवान चाहिए तो वो सब दिए जाते हैं, यानी कि वो, लेकिन ये भी ड्यूटी उनका आता है। मैस में सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना, ये भी जो है एक कुक की ड्यूटी है, जैसे मैस में आग ना लग जाए, गैस सिलेंडर और अन्य सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना जिसमें किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके, यानी कि कुक की ये भी जवाबदारी है। मान लिया खाना बना रहा है, गैस बंद नहीं किया या गैस बुझ गया, वो गैस चल रहा है, या फिर दूसरी गैस सिलेंडर को ठीक से यूज नहीं किया है, या कोई दूसरे सुरक्षित उपाय हैं ऐसे, जो यानी कि कुछ भी मैस में खतरा हो, किसी तरह से लाइट का स्पार्क हो जाए, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये सब कुछ देखना भी मैस में ये ड्यूटी के अंतर्गत आता है। 8 नंबर की जो ड्यूटी है, उच्च अधिकारी को उनकी इच्छा अनुसार खाना तैयार करना। अब उच्च अधिकारी हो, कई बार क्या होता है जब एक छोटे कैंप में होते हैं तो वहां पर उच्च अधिकारी जो जवानों का मैस होता है उससे अलग बनवा के खाते हैं, जब बड़े कैंप होते हैं तो उनमें मैस अलग होता है और ऑफिसर मैस अलग होता है तो उसके अनुसार से बनता है, अधीनस्थ अधिकारी मैस अलग होता है, फिर ORS यानी NGO
जिनको बोलते हैं उनका अलग मैच होता है। लेकिन जब भी अगर अफसर जहां पर भी रहना चाहता है रहता है और वो चाहता है कि मैं लक्ष्य बना के देता हूँ, तो कुक की जवाबदारी होती है कि उन अफसरों को भी उनकी डिमांड के अनुसार या जो खाना चाहते हैं इस प्रकार का खाना बना के उनको दे या उसको प्रोवाइड। ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट ड्यूटी आती है कुक की ड्यूटी में। कुक के लिए अभी जरूरी है कि भोजन तैयार करते समय स्वच्छता का उच्च स्तर का ध्यान रखें। कहने मतलब ये एक ड्यूटी होती है, जब भी खाना बना रहे हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जो भी फेरन पहनना होता है उनको पहने, जिस प्रकार फोटो में दिख रहा है, जो उनको खाना बनाते हुए जो अपने कपड़े यूज करने हैं वो करें, और ताकि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। तो ये भी कुक के जो ड्यूटियों में आता है कि जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा है या मैस में है तो वो अपने हिसाब से उन उपकरणों को पहने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि चाहे सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी, एसएसबी या पुलिस किसी स्टेट की, या फिर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अगर कुक की ड्यूटी जानना चाहते हैं, तो इतनी ही ड्यूटी जो मैंने बताई है अगर आपको आती है या आप जानने की कोशिश करते हैं या आप एज ए कुक भर्ती होना चाहते हैं तो यह ड्यूटी करनी पड़ेगी। और दूसरा चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, भर्ती जो होती है कांस्टेबल जो होता है वो जीडी लिखा जाता है। वो कांस्टेबल जीडी का मतलब सामान्य ड्यूटी करता है। जो कांस्टेबल कुक होता है तो उसका कुक का काम कुक वो खाना बनाना होता है। कांस्टेबल ही सब होते, कांस्टेबल ही है, जीडी है, सोल्जर ही होते हैं। अब जैसे कांस्टेबल बार्बर, तो उसका काम है कांस्टेबल का, सब पहले कांस्टेबल है, सोल्जर है, उसके बाद बार्बर है, तो उसका काम है बाल काटने का। कांस्टेबल अगर मान लिया सफाई कर्मचारी है तो उसका काम है सफाई करने का। एज ए पहले सब सबसे पहले सब सोल्जर है कोई भी, लेकिन काम सबका अलग अलग बटा हुआ है। जो जिसका काम बटा वो अपना काम करता है। कोई भी इसमें ये प्रोफेशनल का वर्क है, कोई भी इसमें ऊंचा नीचा नहीं है। ये फौज के लिए सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, सबको अपना काम करना होता है, सबको अपने काम की सैलरी मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।